कार्स किसको पसंद नहीं यार। yes. और मैंने अपनी लाइफ की जब पहली गाड़ी खरीदी बलेनो, मैं आज भी यार वो दिन याद है जब मैं कितना पागल था। एक्सक्यूज मी, अच्छा हम दोनों ने खरीदी थी यार। लेकिन ईएमआई पूरी मैं ही भरता हूँ। पूरे मेरे बैंक से जाती है ईएमआई। हम दोनों ने मिलकर गाड़ी खरीदी थी यार, उसकी डाउन पेमेंट भी करी थी। तो खुद की गाड़ी लेना है हर का सपना होता है, और जब वो ड्रीम पूरी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम वीडियो देखेंगे टॉप 8 सेफेस्ट कार इन इंडिया अंडर 10 लाख। 10 लाख के नीचे नीचे टॉप 8 सेफेस्ट कार कौन से 2021 में, और माइलेज के साथ है। तो चैनल का नाम है इंडिया सोनिक, अमेजिंग वीडियोज होती है उनकी यार, और भी वीडियोज आप देख सकते हो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी गाड़ियों की वीडियोज और भी देखना चाहते हो तो प्लीज जाइए इंडिया सोनिक चैनल पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और भाई इसी चैनल के ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीम भी होती है गेमिंग की, रात आ जाए करो। बेस्ट पार्ट बताना आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी आपके हिसाब से, आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी इनमें से बताना टॉप 8 में से, और आपके हिसाब से कौन सी सेफेस्ट थी। रेडी स्टडी एंड Hey, what's up guys? Welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 8 सेफेस्ट कार्स इन इंडिया अंडर 10 लाख रुपीज। पहले जमाने के कंपैरिजन में आजकल लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। पहले बिल्ड क्वालिटी को चेक तक नहीं करते थे कार खरीदते समय, और आजकल कोई कार्स तो सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की मदद से ही फेमस हो चुकी हैं, ये तो है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लोगों को बिल्ड क्वालिटी चेक करके ही कार लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली की जान का सवाल है, ये तो है। इस लिस्ट में जो हम कार्स देखने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकती हैं फैमिली कार के लिए, क्योंकि इन सबकी क्रैश टेस्ट रेटिंग 4 स्टार्स या उससे ऊपर है। अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इस लिस्ट की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार, जो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। मारुति अनसेफ कार्स बनाने के लिए फेमस है, पर ब्रेजा काफी अच्छी है सेफ्टी के मामले में। इसकी सेफ्टी अच्छी है। 4 स्टार्स और 30.44 की ओवरऑल रेटिंग मिली है गाड़ी को क्रैश टेस्ट में। रिसेंटली इसे फेसलिफ्ट अपडेट भी मिला था, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा मॉडर्न लगता है, पर जो इंटीरियर्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और मारुति को जल्दी रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस कार की प्राइस 7.4 लाख से स्टार्ट होती है, 10 से नीचे शुरू हो जाती है ना। माइलेज की बात करें तो 19 किलोमीटर पर लीटर की है, 19 किलोमीटर पर लीटर। बलेनो अपनी 21 की बताते हैं। अब आगे हम देखेंगे निसान की मैग्नाइट। हाँ ये नहीं आई है गाड़ी। ये सबसे लेटेस्ट कार है इस लिस्ट में, जो लेट 2020 में लॉन्च हुई थी। गाड़ी बहुत ही बढ़िया लुक्स ऑफर करती है अपनी प्राइस रेंज में, जो है अराउंड 5.5 लाख से लेकर 9.5 लाख इंडियन। सही रेट है इसका और लुक भी अच्छा है। मतलब पर प्राइस को कम रखने के चक्कर में निसान ने बिल्ड क्वालिटी को निगलेक्ट नहीं किया है। अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है। इस गाड़ी को 4 स्टार्स मिले हैं एशियन एनकैप में, और ओवरऑल क्रैश टेस्ट रेटिंग है 39.02। अरे वाह बढ़िया है। अब निसान ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि एशियन एनकैप में जो कार टेस्ट की गई है वो इंडियन मेड है, और यहाँ पर भी सेम मॉडल सेल होता है। काफी अच्छा लगता है ये देखकर कि अब कंपनीज इतने कम बजट वाली गाड़ियों में भी इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं। निसान मैग्नाइट 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। एवरेज भी बढ़िया है इसकी तो, माइलेज भी। नंबर 5 पर हम देखेंगे फोक्सवैगन पोलो। ये भी काफी पॉपुलर कार है उन लोगों में जिन्हें ड्राइविंग और परफॉर्मेंस का शौक है। पोलो तो ऑल टाइम, पर इंडिया में जो पोलो सेल होती है वो बहुत ही ज्यादा टाइम से चली आ रही है। फॉरेन कंट्रीज में इस गाड़ी का नया वर्जन काफी टाइम पहले आ चुका है, इंडिया में नहीं आया ना इसका अभी। पर इंडिया में फोक्सवैगन ये पुराना मॉडल ही सेल कर रही है, हर साल थोड़े बहुत यूजलेस चेंजेस कर। यूजलेस चेंजेस, लुक्स बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत पुरानी लगती है अभी। है इंटीरियर्स में भी कुछ मेजर रीडिजाइन नहीं मिला है। हाँ, क्योंकि पोलो कब से बिल्कुल सेम ही आ रही है। 6 लाख से स्टार्ट होती है और 9.9 लाख इंडियन रुपीस तक जाती है। मॉडल भले ही पुराना हो पर सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं किया गया। पोलो ने 4 स्टार्स और 42.45 का ओवरऑल स्कोर किया है क्रैश टेस्ट में। फोक्सवैगन को जल्द ही न्यू पोलो लॉन्च करनी चाहिए इंडिया में, बिल्कुल करनी मेरे साथ। इस मॉडल से काफी ज्यादा बेहतर है। इस कार की माइलेज अराउंड 18.2 किलोमीटर पर लीटर है, कम है बाकियों से इसकी। नंबर 4 पर है टाटा टियागो और टाटा टिगोर। टाटा की तो भाई सब बात ही अलग है। क्रैश टेस्ट में
सिर्फ टैगोर को ही टेस्ट किया गया था और सेम रिजल्ट्स टियागो में कैरी फॉरवर्ड किए गए थे, क्योंकि दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम ही है, बस टैगोर में आपको एक्सटेंडेड रियर सेक्शन मिलता है। अच्छा, पीछे का वो मिल जाता है। काफी अच्छा परफॉर्म किया है क्रैश टेस्ट में इन्होंने, जहां पर टाटा की तो बात ये लग गया दोनों को, और ओवरऑल स्कोर है 46.67। पर एक बात ध्यान देने वाली है, टेस्ट रेटिंग्स में बॉडी शेल को अनस्टेबल बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड पर क्रैश टेस्टिंग हुई है वहीं तक गाड़ियां बढ़िया सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएंगी। इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ तो शायद इंजरीज का खतरा हो सकता है। गाड़ी के प्राइस की बात करें तो टियागो 4.85 लाख से स्टार्ट होती है और 6.85 लाख इंडियन रुपीस तक जाती है, और टाटा टिगोर 5.5 लाख से स्टार्ट होकर 7.65 लाख। टाटा की गाड़ियों के लुक काफी अच्छे हो गए पहले से। माइलेज की बात करें तो टियागो में 23.84 तक की एवरेज और टिगोर में 20.3 की एवरेज देखने मिल जाती है। अच्छी एवरेज इन दोनों की। अब आते हैं नंबर 3 पर, जहां से आपको सिर्फ 5 स्टार रेटेड कार्स ही देखने मिलेंगे। 5 स्टार रेटेड कार तो ये है टाटा की नेक्सॉन। इसकी तो बात ही लगे नेक्सॉन की। तो ग्लोबल एनकैप की सबसे पहली ऐसी कार थी ये जिसने 5 स्टार लाए थे क्रैश टेस्ट में, और ओवरऑल रेटिंग थी 41.06। आप कह सकते हैं कि इस कार के सक्सेस की रीजन शायद ये क्रैश टेस्ट रेटिंग ही है। नेक्सॉन वो कार थी जिसने न्यू जनरेशन टाटा की गाड़ियों को मेनस्ट्रीम किया, हाँ। और आज ये दूसरे बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट कर रही है। बिल्कुल। इसकी प्राइस 7.1 लाख से स्टार्ट होती है। गाड़ी में हम काफी फ्यूचरिस्टिक लुक्स भी देख सकते हैं, और फेसलिफ्ट अपडेट के बाद तो ये और भी बोल्ड और मॉडर्न लगती है। काफी मॉडर्न लगती है और भी। इसकी माइलेज अराउंड 23.97 किलोमीटर एवरेज तो भाई साहब गजब ही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। टाटा नेक्सॉन में ईवी का ऑप्शन भी मिलता है, पर वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है, 15 के आसपास आते हैं ना, 15 लाख के आसपास। पर आजकल जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चल रहे हैं उस हिसाब से नेक्सॉन ईवी आपको पेट्रोल वेरिएंट से सस्ती पड़ेगी। नंबर 2 पर हम देखेंगे एक और टाटा की कार जो है टाटा एल्ट्रोज, इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक भी आप कह सकते हैं इसे, ये भी हाँ। जिसे 5 स्टार्स और 45.13 ओवरऑल रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में। गाड़ी के लुक्स लुक की काफी बात करें तो पर्सनली मुझे ये सबसे अच्छी लगती है अपने सेगमेंट में। अरे एल्ट्रोज तो काफी शार्प और फ्यूचरिस्टिक लुक है गाड़ी का, और सेफ्टी के अलावा इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब नया आई टर्बो वेरिएंट भी मिलता है इसमें, जो परफॉर्मेंस फोकस और परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है उसमें। तो कार की प्राइस 5.7 लाख से लेकर 9.5। अब आते हैं नंबर 1 पर, जहां पर हम देखेंगे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो को नंबर 1। जस्ट किडिंग गाइस, इस गाड़ी को 0 स्टार्स मिले हैं क्रैश टेस्ट में। भाई किसी को भी ये कार बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। मेरे को लगा भाई ने क्या कर दिया। नंबर 1 पर हम देखेंगे महिंद्र की एक्स। महिंद्र की क्वालिटी भी काफी है यार, स्कॉर्पियो देख ले जैसे, तो आज तक इस रेंज में ही है सबसे सेफेस्ट कार ग्लोबल एनकैप के रेटिंग में, जिसे कोई भी डीथ्रोन नहीं कर पाया है। सेफ्टी के मामले में ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ग्लोबल एनकैप ने इसे सेफर चॉइस का अवार्ड भी दिया है, जैसे लोग एनकरेज हो इसे खरीदने के लिए। पर इस सेगमेंट में सिर्फ हंडे वेन्यू, किया सेल्टोस और विटारा ब्रेजा का ही दबदबा बना रहता है। इस गाड़ी को 5 स्टार्स और 53.86 का ओवरऑल मिला है क्रैश टेस्ट में। महिंद्रा ने इसमें भर भर के फीचर्स भी दिए हुए हैं, और उनमें से कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट भी हैं। ये कार 7.95 लाख इंडियन रुपीज से स्टार्ट होती है। 7.95। गाड़ी के लुक्स की बात करें तो फ्रंट में तो काफी अच्छी और शार्प लगती है, पर रियर में ठीक ठाक ही लगती है। पीछे से लगा एकदम से एंड कर दिया, थोड़ी सी काफी छोटा मिलता है, जो प्रैक्टिकलिटी में मार खा जाता है। बूट स्पेस बहुत छोटा है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है कार में। राइड क्वालिटी भी बेस्ट है अपने सेगमेंट में।
गाड़ी तो माइलेज की बात करें तो 20 किलोमीटर नॉट बैड यार, तक की एवरेज मिल जाती है गाड़ी है और बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है इसके अंदर। अब ये टोटल 7 गाड़ियां थी और वीडियो के टाइटल में 8 लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक और कार सजेस्ट करना चाहता हूं, जो है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। फोर्ड की इकोस्पोर्ट तो भाई साहब अलग ही लेवल। क्रैश टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, पर फोर्ड क्लेम करता है कि इसे आसानी से 5 स्टार्स मिल जाएंगे। अब फोर्ड की क्वालिटी तो अलग ही है, एंडेवर हो गई फोर्ड, ये हम क्लियर नहीं कह सकते। पर रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में इकोस्पोर्ट ने अपनी बिल्ड क्वालिटी को प्रूव किया है और इसी वजह से काफी फोर्ड इकोस्पोर्ट के फैंस भी हम देख सकते हैं आजकल। इस कार की प्राइस 8 लाख इंडियन रुपीस से स्टार्ट होती है, 8 लाख इंडियन रुपीस से। पर अगर आपको इकोस्पोर्ट पसंद आ रही है तो मैं आपको वेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जल्द ही इसका फेसलिफ्ट मॉडल नया मॉडल आने वाला है। अरे वाह, मजा आ जाएगा फिर तो। माइलेज की बात करें तो 21.7 किलोमीटर पर लीटर की सब लुक देख ले, तू बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बता रहे हैं तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस लिस्ट में से सबसे ज्यादा कौन सी कार पसंद आई। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इंडिया सोनिक चैनल को यार सब्सक्राइब करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं यार। बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस को, क्लिप्स ढूंढ के बनाना आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो, तो हैट्स ऑफ टू इंडिया सोनिक चैनल। और मेरी पर्सनल फेवरेट अगर मैं कहूँ ना, देख मेरे को पर्सनल फेवरेट मेरे को इस रेंज में वो नेक्सॉन अच्छी लगती है। तेरे को पहले भी कह रहा, नेक्सॉन ऊंची होगी, कंफर्टेबल, कॉम्पैक्ट और भाई सब एक लग्जरी वाली फील देती है, और जो नया मॉडल है वो और ही गजब है। और जो तूने वो देखी अभी क्या बोलते हैं, इको स्पोर्ट का नाम अलग है। तो हाँ। बस हम उसकी क्रैश टेस्टिंग नहीं हुई तो इसलिए वो रैंक नहीं कर पाया भाई, नहीं तो हाँ। जो फोर्ड की क्वालिटी है ना, जैसे एंडेवर देख लो आप, एंडेवर की क्वालिटी फॉर्च्यूनर से कई बार कहते हैं ज्यादा है, वो हमें पता नहीं यार, लेकिन आप क्या कहते हो, एंडेवर और फॉर्च्यूनर में अगर कंपेयर करें तो बिल्ड क्वालिटी किसकी ज्यादा है? फोर्ड की क्वालिटी हमेशा मानी गई कि फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होती है। और इसलिए एकदम हैवी जब आती है तो दिखता है मेरे हिसाब से भाई यार, इस लिस्ट में जो नेक्सॉन है बढ़िया है। XUV 500 मेरे हिसाब से इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि उसके टक्कर में हो गई वेन्यू, सर प्राइस रेंज में वेन्यू में बूट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, और प्लस अब सेल्टॉस भी आ गई उसी रेंज में, लगभग उसी प्राइस रेंज में आ जाती है, तो वो थोड़ा क्योंकि थोड़ा बूट स्पेस में मार खा गए। नहीं तो भाई साहब महिंद्रा ने क्या बिल्ड क्वालिटी, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर बहुत गजब गजब दिए थे, और जब आई थी ना तहलका मचाया था मार्केट में आते भाई साहब इसने। तो मेरी अगर इस रेंज में मैं सजेस्ट करूं तो अगर बजट वाइज लेनी है तो भाई साहब नेक्सन ले सकते हो, और थोड़े से फीचर के साथ लेनी तो आप मैग्नाइट दे सकते हो, निसान की मैग्नाइट भी काफी अच्छे लुकते। आप कौन सी पसंद करोगे भाई, आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट कार आपको लगी, और क्या सजेस्ट करोगे किसी को अगर इस रेंज में लेनी हो 5 से 10 लाख के बीच में तो बताना। फोर्ड इकोस्पोर्ट मेरे हिसाब से वो भी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो मुझे नहीं वैसे भी अच्छी लगी, लुक अच्छा है, और उसका जो पीछे टायर अलग से लगा रहता है ना, वो भाई साहब ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ फील देती है, स्पोर्टी लगती है। आपकी फेवरेट कौन सी, प्लीज कमेंट करके बताना यार। और ऐसी वीडियो आप चैनल सजेस्ट करो, ऐसी वीडियो के लिंक आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करो, तो हम टाइटल भी सजेस्ट करना हम लाएंगे, जरूर चेकआउट करेंगे वीडियोस को, रिएक्शन लेंगे। मिलते हैं आपसे, बड़ा मजा आया यार वीडियो देख के, इन्फॉर्मेशन जब मिलती है ना, गाड़ी तो पसंद ही होती है हमेशा, है ना। एक इसके लिए भी कोई पर्सनल गाड़ी लेंगे, उसमें भी क्या बोलते हैं, ड्राइवर में अपनी गाड़ी में भी ड्राइवर, इसी गाड़ी में भी ड्राइवर। जी नहीं, मेरे को ऑटोमेटिक लेने में अपनी अपने आप हैंडल, ये अपने आप ले आएगी भाई, ताकि मुझे जब अपने आप ले आएगी, अपने आप कैसे से बोल दिया कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड, मतलब तू लाएगा मैं अपनी अपने आप चलाऊंगी, ताकि जब भी तू गंदे संदे प्रैंक करे मुझे कैब ना करनी पड़े। ये कैसे चलाएगी भाई साहब, टायर निकालने के चारों एक एक टायर ऐसे डंडे से नहीं मारते थे बचपन। तो भाई मजा आ गया देख के, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू, बाय।